नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? कैसे है? अभी उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से जो आ चुका हूँ जयपुर के अंदर वीके व्हीकल सेल्स पॉइंट पर। दोस्तों, वीके व्हीकल सेल्स पॉइंट पर आ चुका हूँ और आज का जो वीडियो ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो रहने वाला है। वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज के स्टॉक में समथिंग गाड़ियाँ खड़ी हुई है 50 से भी ज़्यादा टाटाज खड़े हुए हैं। मतलब लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो है आपको दिखाने वाला हूँ सारे के सारे। दोस्तों 90% यहाँ पर क्या है कि मतलब 90% गाड़ियाँ क्या है कि बैंक से खींची हुई है और 10% गाड़ियाँ ऐसी होगी जो पार्टी से खरीदी हुई होगी। बाकी लोनेबल सुविधा यहाँ से इजी वे में लोनेबल फैसिलिटी यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। न्यूनतम से न्यूनतम डाउन पेमेंट जमा करवा कर जो है यहाँ से जो है गाड़ियाँ खरीद सकते हो। और आज की वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट ऐसा है, जो वीके व्हीकल सेल्स पॉइंट है ना वो पहले था जयपुर के अंदर 200 फीट बाईपास कमला देवी बोधिया स्कूल के जस्ट अपोजिट, लेकिन अब क्या है थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई। जैसे 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस चेंज हो गया। पहले वीके व्हीकल सेल्स पॉइंट के जो ओनर है मिस्टर वाजिद भाई, उन्होंने क्या है कि जगह रेंट पे ले रखी थी, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने थोड़ा जगह चेंज कर ली। वो रेंट मतलब लैंड मालिक ने जो है क्या है कि पता नहीं क्या कुछ इशू वगैरह हो गया होगा या फिर जगह सेल आउट कर दी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या है कि जगह चेंज कर दी और यहाँ पे जो है जयपुर के अंदर नारायण विहार में आ चुके हैं। जिस तो कमला नेहरू पुलिया से जो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये शिव शक्ति इंटरनेशनल स्कूल के जो है जस्ट पास में रहने वाला है। तो यहाँ पर सब कुछ बारीकी से डिटेल में आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। और बाइक की बात क्या है कि वाजिद भाई बताने वाले हैं कि किस रीजन से इन्होंने जगह चेंज की है और अभी जो प्रेजेंट में जगह है उसका पूरा एड्रेस भी बताने वाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताने वाले हैं। और पुराने जो मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस जगह जाओ तो वहाँ पर क्या है कि एक डिस्क्लेमर लगा हुआ होगा, वहाँ पर रीड आउट करके यहाँ आ सकते हो। बाकी पूरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ से भी जो चेकआउट कर यहाँ पर आ सकते हो। मतलब ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा एड्रेस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है। मतलब NH8 जो हाईवे है वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है नया ऑफिस मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं सभी गाड़ियों को आपको वन बाई वन करके। लेट स्टार्ट। तो दोस्तों जान लेते हैं सभी गाड़ियों के बारे में वीके व्हीकल सेल्स पॉइंट के जो ओनर है मिस्टर वाजिद भाई से सभी गाड़ियों के बारे में, और इनसे जानेंगे कि लोकेशन किस वजह से इन्होंने चेंज कर दी है। सभी का रीजन आपको जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और सभी गाड़ियों की जो डिटेल बताने वाले हैं बारीकी से। हेलो वाजिद भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। बस बढ़िया, आप बताइए। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मेरे व्यूवर्स क्या है कि थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये रीजन बताओ कि लोकेशन चेंज क्यों कर दी और कौन सी जगह कर दी, मतलब नया सेटअप कहाँ रहा अपना? रीज़न तो छोटा सा एक ये है कि ज़मीन जो थी वो जो अपना जो ऑफिस सेटअप था वो प्रॉपर्टी जो थी रेंट पे थी। अच्छा। लीज पे थी, लीज अपना टाइम कंप्लीट हो गया था। अच्छा। और प्रॉपर्टी जो ओनर ने वो ज़मीन सेल आउट कर दी। वो सेल आउट कर दी तो इसकी वजह से क्या है अपन को इमरजेंसी में वो खाली करना पड़ा, और कोई रीज़न नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा आप लोगों की दुआ से काम भी अच्छा चल रहा था, काम भी आपने देखा बढ़ी रहा था, धीरे धीरे काम बढ़ी रहा था तो जगह भी स्पेस भी छोटा पड़ रहा था जगह। अब की बार तो इस वजह से अपन ने इस बार स्पेस भी बड़ा कर दिया और काम भी आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह के ऊपर स्टॉक अपडेट करा दें। मतलब एनी टाइम जब अपन पहले 35-40 गाड़ी दिखा रहे थे, अब आपको हम इस लोकेशन पे बड़ा स्पेस होने के कारण आपको 50 से 60 गाड़ी अपन कस्टमर को एक साथ दिखाएंगे ना। मतलब जो दूसरी जगह खड़ी थी दूसरे प्लॉट पे जहाँ पार्किंग में गाड़ियां एक्स्ट्रा गाड़ियां खड़ी रहती थी, जगह की वजह से अपन गाड़ियां शिफ्ट नहीं करते, वो गाड़ियां भी अपन यहाँ पे मतलब पूरा स्टॉक एक ही जगह हो जाएगा, फुल लोडेड स्टॉक करेंगे। ऐसा लगता है कि 80-90 गाड़ी एक साथ बिल्कुल, और फुल फ्लैश के अंदर गाड़ियां खड़ी करो, कितनी गाड़ियां लाओ कितनी बेचो कोई आपत्ति नहीं है। तो वो रीजन ये था कि वहां से खाली करने का। बाकी कस्टमर जो है हमारे अपने जो पूरे पुराने व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उस चीज के लिए हम आपसे सभी से सॉरी चाहेंगे। आप पुरानी लोकेशंस पे जा रहे हैं आप जाइए, वहां बराबर में चाय वाला है या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हमारे वो आपको लोकेशन बता देंगे। एक हम वहाँ फ्लैक्स भी लगा रहे हैं, एक वहाँ फ्लैक्स लगवा देंगे कि ये ऑफिस जो है नारायण बिहार के अंदर शिव शक्ति स्कूल जो है वो आप मेन जो पॉइंट है यहाँ नई लोकेशन का वो ध्यान रखें। शिव शक्ति स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, पहले वहाँ कमला देवी बोधिया सरकारी स्कूल हुआ करती थी, अब इस लोकेशन में प्राइवेट स्कूल है जिस स्कूल का नाम है शिव शक्ति स्कूल। उसके जस्ट बराबर के अंदर हाई टेंशन लाइन है, उस हाई टेंशन लाइन के अंदर ही अपना ऑफिस है। हाई टेंशन लाइट के जस्ट थोड़ा अंदर आओगे तो पहला राइट के ऊपर ही अपना ऑफिस है, मेन मतलब कॉर्नर पे ही मेन आपको अलग ही दिख जाएगा। आप तो शिव शक्ति स्कूल पे आके भी कॉल करेंगे मेरे फोन पे, आपको हम एड्रेस बता देंगे। शिव शक्ति स्कूल से मात्र 5 मिनट के अंदर आप ऑफिस पे हो। 5 मिनट कहाँ लगेगी? 5 मिनट नहीं लगेंगी, एक अप्रोक्सिमेट अपन टाइम बता रहे। अच्छा, वो चीज है तो बिल्कुल, और बिल्कुल बाईपास पे ही लोकेशन है, कहीं आपको सिटी में एंट्री करने की जरूरत नहीं। अजमेर से आ रहे हो, राजसमंद से आ रहे हो, ब्यावर से आ रहे हो, नसीराबाद से आ रहे हो, नागौर से आ रहे हो, कहीं से भी अगर आप यहाँ पर आते हो ना
तो सीधा कमला नेहरू पुलिया पे आओ, बिल्कुल पुलिया पे आओ, पुलिया के ऊपर से एक मतलब पहले 200 फीट आना पड़ता था, या तो अभी भी आप 200 फीट आ सकते हो, 200 फीट आओ, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा। 200 फीट से 1.5-2 किलोमीटर है, बिल्कुल 1.5-2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा मैं 1.5-2 किलोमीटर, 200 फीट बाईपास है। अगर आप कमला नेहरू पुलिया रुकते हो तो वहां से तो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लड़के लगे हुए हैं, अभी 2-4-5 दिन, महीना 2 महीना डिस्टर्बेंस होगी, लड़के लगे हुए हैं, लड़के बाइक पे आपको रिसीव कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोकल आदमी से बात करोगे आपको आसानी से पहुंचा देगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोकेशन में, लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, तो थोड़ा सा रीजन ये था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी ये कि जो ऊपर वाले ने चाहा वो हुआ है और होता रहेगा। तो मतलब तो वो जो 200 फीट आप आते हो ना, तो सीधा नारायण विहार में, नारायण विहार के अंदर आ जाओ, नारायण विहार में शिव शक्ति स्कूल के पास। बस इतनी सी लोकेशन ध्यान रखे, बाकी अपन फोन पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अच्छा, अब की बार बिल्कुल फ्रेश स्टॉक दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश स्टॉक मिलेगा, लार्जेस्ट आपने गोदाम बड़ा ले लिया, बिल्कुल अब ले लिया। यहाँ भी छोटा मोटा भी आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर ऐसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, टीन सेट लग रहे हैं, ऑफिस का काम चल रहा है अभी। तो क्या आप लोग परेशान नहीं हो, इसलिए हमने राजू भाई को तुरंत बुलाया कि राजू भाई आप आओ, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो 2-4 दिन में इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए कि भाई ऑफिस उस लोकेशन पे नहीं जाकर यहाँ लोकेशन पे डायरेक्ट आवे, यहाँ बात कर ले कि कहाँ नया ऑफिस शिफ्ट हुआ, या जो पुराने कस्टमर जो गाड़ी यहाँ से लेके जा चुके हैं तो वो डायरेक्ट अगर पहुंच रहे हैं तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भाई अपना ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो गया। सही बात है, तो मतलब किसी के मन में कोई डाउट नहीं आवे। एक होता था डाउट कि यार जगह छोड़ गए, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया, वो काम नहीं है। थोड़ा सा जमीन अपनी नहीं, अपना अपनी मजबूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लैंड है, मालिक है, कुछ भी कह सकता है, कभी भी खाली करा सकता है। सही बात है। इस वजह से अब कोशिश अपन ये कर रहे हैं, आपकी दुआ से आप भी समझो, थोड़ा सा आप भी समझना, बाकी कोशिश करके विद इन 6 मंथ के अंदर कोशिश ये करेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ एक जगह परचेज करने की चल रही है बातचीत, लेकर वहीं पे शोरूम डालेंगे, वहीं शोरूम डालेंगे, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे कि आदमी एक बार एंट्री करेगा तो सोचेगा कि मैं नई गाड़ी लेने आया हूं, पुरानी गाड़ी लेने आया। अच्छा, जैसे आपका एक वो है ना मुमताज कार बाजार, इकबाल भाई, इकबाल भाई सेम वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही पैसा लगाएंगे, लेकिन उनकी भी खुद की पर्सनल जगह है, वो बस पैसा लगाने में वहीं तो मन करेगा ना, जहां आपकी जगह होगी, यहां रेंटेड है, यहां अपन लगाएंगे 2 साल 4 साल 5 साल, इसका मानस क्या पता क्या हो मालिक का, फिर ये रवाना कर दे। सही बात है, जो लगा हुआ है भाई सब छोड़ जाओ, वहाँ सारा चीज छोड़ के आए, पर देखो ऑफिस ऑफिस सब छोड़ के आए, सब छोड़ी अब लेके थोड़ी आए, टाइले लग रही है, क्लास है, फ्लास है, सब छोड़ी आए, मैं कोई बात नहीं, छोड़, नया जगह नई चीज लगाएंगे। चलो ये चीज है, चलो कहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से जैसे आपकी इच्छा हो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अंदर 2 गाड़ियां और है, अंदर से ये थोड़ा सा ही, अभी थोड़ा सा जिस भी से मामला इस चक्कर में, ये गाड़ी आपको दिखा देते हैं अंदर से भी, हल्का सा आपको कम दिखेगी गाड़ी, ये बताइए, ये 2021 मॉडल है, 2021 मॉडल टाटा एस गोल्ड डीजल के अंदर, पेट्रोल गाड़ी अभी मेरे पास में फिलहाल नहीं है, बाकी पेट्रोल का स्टॉक आने में है 2-4-5 दिन में। अच्छा, कोई पेट्रोल भी अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल वाजिब दान के अंदर 21 मॉडल और एक 22 मॉडल पेट्रोल गाड़ी आ रही है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा अच्छा, फिलहाल जो गाड़ी है अभी 21 मॉडल है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, 40,000 किलोमीटर चली हुई है, चारों टायर कंपनी के साथ के हैं, आरजे 34 करोली पासिंग गाड़ी है, कंप्लीट गाड़ी है, सिर्फ इसके ऊपर हाफ डाला बॉडी मिलेगी आपको। अच्छा, अभी चेची से इसके ऊपर इसका हाफ डाला है, पीछे डाला पड़ा हुआ है, डाला रख कर देंगे, कंप्लीट विथ पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन और विथ नेम ट्रांसफर करा के, जो अपन ने लास्ट ईयर जो वीडियो के अंदर अपन ने बोला था वो कस्टमर को अपन ने करके दिया है और वही काम अपन कर रहे हैं, विथ ट्रांसफर करा के दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस कस्टमर से नहीं ले रहे हैं। क्या रेट है इसकी? ये गाड़ी की जो कीमत पड़ेगी कंप्लीट विथ पेपर के साथ में अपन एक ही रेट हाफ डाले के साथ 5,11,000 रुपए में दे देंगे 21 मॉडल, 5,11,000 रुपए में बैठ के जो भी होगा नेगेटिव अपन बैठ के मान सम्मान अपन देख लेंगे। तो इसमें आरटीओ का खर्चा भी इंक्लूड हो चुका है, सब कंप्लीट, अगर लोन कराना जो 7-8 हज़ार ऊपर के है ना वो आरटीओ के ही है, बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट, आप तो खाली आरसी कार्ड आपके नाम से पेमेंट दो और गाड़ी ले जाओ, और आपकी भी झंझटबाजी खत्म है, कोई पुराना चालान बाकी निकल जाए कर जाए लेना देना फालतू क्या लफड़ा, उसी चीज से आपको आपके नाम की आरसी मिलेगी, उसी चीज के खातिर अपन ने ये ट्रांसफर वाली फैसिलिटी अप्लाई बताइए। उसके अलावा एक भरतपुर पासिंग 2020 मॉडल, बढ़िया गाड़ी, फर्स्ट क्लास गाड़ी, फुल लोडेड बॉडी के साथ, चारों टायर बिल्कुल ओके, यानी कि रेडी टू Go एंड भाड़ा, रेडी टू गो एंड भाड़ा, भर के लेके जाओ, मजाक नहीं कर रहा, यहीं से भाड़ा भरवा के भेजूंगा, भरतपुर धौलपुर उदयपुर जहां भी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, 48,000 किलोमीटर चली हुई है, फ्रेश गाड़ी है, गाड़ी फाइनल 20 मॉडल, कंप्लीट विद पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन विद नेम ट्रांसफर करा के 4,85,000 रुपए में गाड़ी के अपन रेट कर रखी है, बैठ के जो भी होगा मान सम्मान कर लेंगे। मान सम्मान में हम आपको बता दें इतना ही मान सम्मान कि आपकी और हमारी बन बैठ जाए, मतलब 10, 5, 15, 20, अब आप ये सोच से आवे 50 तोड़ूंगा लाख तोड़ूंगा तो आप प्लीज ना आवे, सही बात, आपका भी टाइम खराब, आप आओ भाई साहब मत, ये सोच के आया तो वो काम मत करना,
मान सम्मान 20-25 हजार रुपए की होती है वो अपन बैठ के करेंगे, ज्यादा हम उठा के टेकते नहीं कि लाख टेक दो, लाख तोड़ाएगा कस्टमर, इतना नहीं चलता। देखो छोटी गाड़ियों में इसमें क्या होता है, क्या है 10-15 हजार का खेल होता है, 10-15 हजार की मजदूरी पे हम काम करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि लाख रुपए कमा रहा है, 50 तोड़ दूं, 50 इसके फिर भी बचेंगे? नहीं बचेंगे भैया, 20-25 हजार पे सिर्फ मजदूरी का काम है, क्योंकि वो निकालना पड़ता है भाड़ा किराया सब चीजें, लीवर फीवर। अरे आप तो खुद भी लेके सोचो ना, अगर आप मार्केट में 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो उनसे मतलब थोड़ी बहुत कमाई नहीं होगी तो फिर क्यों खर्च करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सा इंसानियत जगह के, मतलब थोड़ी आप खुद के बारे में लेकर सोचो कि इतना पैसा अगर अपन मार्केट में लगाते हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। कितनी माथा पड़ी, कितनी रिस्क है, रिस्क बहुत ज्यादा है ये चीज बताइए। एक उसके अलावा ये दो एक गाड़ी और आपको, ये 2019 मॉडल है टाटा एस एक्सल चोको लाइट के अंदर, धूलपुर पासिंग है, RJ11, बढ़िया गाड़ी है, 49 या 50 हजार के समथिंग चली हुई है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ 3,85,000 रुपए में गाड़ी दे देंगे, 3,85,000 रुपए में लोडिंग फोडिंग ट्रांसफर फ्रांसफर सब कंप्लीट करा के। थोड़ा डिटेल जल्दी जल्दी बताना, गाड़ियां बहुत सारी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तुरंत प्रभाव से अपन ये गाड़ी और इसके बारे में बता देते हैं, ये इंट्रा V30 AC, अच्छा एसी के अंदर गाड़ी है ये। इंट्रा के अंदर दो वर्जन आते हैं, एसी और नॉन एसी। ये V30 एसी वाला है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, ये गाड़ी चली हुई है मेरे हिसाब से अप्रोक्सिमेबल 38 या 40 हजार किलोमीटर बस, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, चारों टायर कंपनी के साथ के हैं, फर्स्ट पार्टी गाड़ी कंप्लीट विद पेपरों के साथ, मात्र 7 लाख रुपए, 21 मॉडल फ्रेश गाड़ी कंप्लीट विद ट्रांसफर करा के बीमा। बाकी ये है कि अपने चैनल का नाम बताते हो ना तो आपको एडिशनल और डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल लोन फैसिलिटी है, जिस भी गाड़ी पे लोन लोगे आप 80 से 85% लोन कर देंगे। ये उसके अलावा एक और इंट्रा V30 नॉन एसी, ये एसी में थी, ये नॉन एसी में, अच्छा ये नॉन एसी के अंदर 2021 मॉडल 62,000 चली हुई गाड़ी, सॉरी 52,000 किलोमीटर चली हुई है, लोडेड सॉरी डाला बॉडी है, कंपनी डाला हाफ डाला, अच्छा कंपनी के साथ के टायर है, फ्रेश गाड़ी है, विद ऑल पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन सब कंप्लीट विद गाड़ी अपन आपको दे देंगे 6.25 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए जिसमें लोन फैसिलिटी अपन कर देंगे 5.5 तक, 5.5-5.5 तक। इसके अलावा दोबारा अपन एक और आते हैं, ये है इंट्रा V10। V30 आपने देखा है, इसमें मॉडल आता है V10 जिसकी चलन है मार्केट के अंदर, चलन है इसके अंदर, और भी है V20 भी है, V50 सबसे ज्यादा अभी तो V10 और V30 चल रहा है, V10 और V30 चल रहा है। V10 बढ़िया गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी, फुल लोडेड बॉडी, 200 पासिंग, लोकल नंबर, साफ सुथरी गाड़ी, बॉडी टायर वायर सब कंप्लीट है, मतलब कुछ भी नहीं कराना, सिर्फ ऑयल सर्विस कराए और पार्टी चलाए गाड़ी, ऑल पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन सब कंप्लीट विद पेपरों के साथ, कंप्लीट पेपरों के साथ, गाड़ी की कीमत 5,25,000 रुपए, 5.5 लाख रुपए जिसमें लोन फैसिलिटी 4 लाख रुपए कंप्लीट विद पेपर। इसके अलावा ये एक और गाड़ी अपन दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी टाटा SHT, सादा सादा टाटा, मतलब BS4 जो आज के टाइम पे ज्यादा कस्टमर मांग रहा है, थोड़ा सा BS6 का क्या थोड़ा सा मार्केट डाउन है, बट फिर भी BS4 तो BS4 ये सादा गाड़ी है, इसमें कम मेंटेनेंस आता है, कम मेंटेनेंस आता है, ये 2020 मॉडल गाड़ी चली हुई है, 26,000 किलोमीटर, नई बॉडी है, नए पेपर मिलेंगे कंप्लीट विद पेपरों के साथ, गाड़ी की कीमत मात्र 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपए विद कंप्लीट पेपर, 20 मॉडल HT। यार आजकल वाजिद भाई जैसे मान के लो पिछले एक डेढ़ साल में गाड़ियों की पुरानी गाड़ी रेट बढ़ती जा रही है, BS4 की रेट आपको हाई मिलेगी, BS6 की रेट थोड़ी सी डाउन मिल जाएगी, आप खुद सोचना, ये BS4 गाड़ी है, इसकी 4,85,000 हमने मांगी, वो BS6 गाड़ी है उसकी हमने 4,85,000 मांगी, वो गाड़ी महंगी आई है, इसकी इन्वॉइस अगर आप नई की देखोगे तो 5.5-6 लाख रुपए की नई है, उस गाड़ी की इन्वॉइस देखोगे तो 6,80,000 रुपए की इन्वॉइस है, वो महंगी भी है लेकिन रेट भी ज्यादा टूट रही है, रेट भी ज्यादा टूट रही है, BS6 का मार्केट थोड़ा और ये सादा ये तो पकड़ी हुई है, जो गाड़ी पकड़ी हुई है ना गाड़ी, एक्सीलेटर पकड़ा हुआ है इसने तो वो एक्सीलेटर पकड़ा हुआ है, डाउन हो ही नहीं रहा इसका, BS4 की हकीकत में रेट है अभी, BS4 हमें नहीं मिल रही ना, हमारी परचेजिंग ही नहीं हो रही, BS4 बिक्री नहीं है, लोग छोड़ रहे नहीं है, तो हम कहां से लाएंगे, सही बात है, BS6 आदमी करा ले जाओ भाई साहब, वो चीज है, रीजन ही है, मेंटेनेंस बहुत लो आता है, बहुत लो है ये। उसके अलावा एक और गाड़ी आपको टाटा एस गोल्ड व्हाइट कलर के अंदर चीचीस है, बढ़िया गाड़ी है, 53,000 चली हुई है, RJ11 धौलपुर नंबर है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, 19 मॉडल, हाफ डाला, मात्र 3,65,000 रुपए, 3,65,000 रुपए में दे देंगे, लेकिन इस पे बॉडी नहीं है, हाफ डाला मिलेगा, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी है, सादा गाड़ी। इसके अलावा एक और ये भीलवाड़ा पासिंग वालों के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी, भीलवाड़ा वासियों के लिए, RJ06 के अंदर है, 2020 मॉडल है, 21 की रजिस्टर्ड है, 15,800 किलोमीटर चली हुई मात्र गाड़ी,
सीटों की पन्नी नहीं उतरी। 15,800 चली हुई है कंप्लीट विद पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉलिश सब नया विद ट्रांसफर कराकर 20 मॉडल फुल लोडेड बॉडी है। चारों टायर बिल्कुल नए हैं, चारों टायर बिल्कुल नए, ये नहीं चले हुए, बिल्कुल नए टायर डले हुए हैं कंप्लीट पेपरों के साथ। मात्र गाड़ी की कीमत 4,65,000 रुपए, 4,65,000 रुपए दे देंगे। चलिए ठीक है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ में, और बाकी जो भी है मान सम्मान वो अपन देख लेंगे। इसके अलावा सादा गाड़ियों की बात करें तो एक और सादा गाड़ी कोटा वासियों के लिए, झालावाड़ वासियों के लिए, 17 झालावाड़ है, RJ17 झालावाड़, 2020 मॉडल, 60,000 किलोमीटर चली हुई है, फुल कोटा लोडेड बॉडी, चारों टायर बिल्कुल ओके, शानदार गाड़ी। मतलब ऑयल सर्विस कराना है, इसके अलावा ₹1 का भी खर्चा निकले वो मेरा, मेरा ₹1 का भी खर्चा निकलेगा ऑयल सर्विस करा दिया भाई, इसके अलावा ₹2 और मांग रही हो मेरे, काट देना। सही बात, सीधी सी बात है, काट देना, मैंने जानता हूँ गाड़ी की कीमत। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करेगा ना अगर आदमी टाटा एस चलाने वाला, स्टार्ट करते क्या भाई साहब बोलो पैसे। अच्छा ऐसा है क्या भाई साहब, बताओ फाइनल पैसे इसमें किंतु परंतु ना, तो वो बोलेगा अगर समझदार आदमी तो, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल टिक पेटी पैक है, पेटी पैक और टिक टॉक आवाज ही बता दी कि गाड़ी स्टार्ट होती है। इसमें बैटरी लगी हुई है क्या? बैटरी का तो पता नहीं। अच्छा ये रनिंग कितनी की है बताओ? 60,000 किलोमीटर चली हुई। मैं बैटरी इसलिए पूछा था कि इसकी चाबी तो भी स्टार्ट करके इसकी आवाज ही सुना दे कस्टमर, मजा आ जाए। अच्छा, टिक 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 टिक, जो ओरिजिनल कंपनी के अंदर खड़ी होती गाड़ी, नई स्टार्ट डेमो देते ना नई गाड़ी का, सेम वैसी आवाज, शानदार गाड़ी है। मैं खुद इसको 2-4 बार ट्रायल ले चुका, सामान हमारा भी शिफ्टिंग के अंदर, बहुत बढ़िया गाड़ी है। गाड़ी की कीमत मात्र 4,85,000 रुपए, 4,85,000 रुपए कंप्लीट विद पेपर, 4,00,000 रुपए की लोन की फैसिलिटी। चलिए, इसके अलावा ये एक और BS6। अच्छा, ये नंबरों का भी सिस्टम है क्या? बिल्कुल सर, नंबरों का सिस्टम है, नंबर से ही गाड़ी बिकती है, नंबरों का भी सिस्टम है। अच्छा, बिल्कुल राजस्थान नंबर तो है, लेकिन RJ14, RJ17, RJ06, RJ05, RJ11, इन नंबरों से भी क्या होता है कि पार्टी थोड़ी सी उत्साहित होती है। अच्छा, अपने एरिया के तो आदमी देखता ही है, पहला प्रायोरिटी तो उसकी होती है अपने एरिया का ही। देखो दूसरी चीज, एक ये हमारे राजस्थान में पता नहीं क्या लफड़ा हो रहा है, ये RJ14 अगर इसका अलवर का हो, भरतपुर का हो, दौसा का हो, करौली का हो, कोई भी मना नहीं करेगा इस गाड़ी को लेने के लिए। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे चिकचिकबाजी हो जाती है, जैसे RJ05 अलवर नंबर फलोर नंबर आ जाए तो जयपुर वाला कम लेता है। NCR का चक्कर पड़ता है, वो NCR एरिया में आ गया। अच्छा, NCR एरिया में आ गया, NCR लगने वाला है, NCR वहाँ लग चुका है, NCR यहाँ लगा नहीं। अच्छा, NCR की प्रॉब्लम आती है, 10 साल पुरानी गाड़ी में बंद हो जाती है, अपने यहाँ 15 साल पुरानी गाड़ी बंद होती है। अच्छा, तो 5 साल का लॉस हो गया ना, ये चक्कर है। अब BS4 गाड़ी भी अलवर के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही NCR के अंदर। अच्छा, 18 मॉडल गाड़ी रजिस्टर्ड ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। अच्छा, बिल्कुल सर, ये कहानी है। ये 2020 मॉडल सर, जयपुर नंबर, बिल्कुल पेटी पैक, नई की नई गाड़ी, 10,700 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, मात्र 10,700 किलोमीटर चली हुई, फर्स्ट पार्टी गाड़ी, कंप्लीट विद पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन विद नेम ट्रांसफर करा के आज की डेट में कंप्लीट विद पेपरों के साथ, मात्र और मात्र बिल्कुल नई गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो तो ये गाड़ी ले जाओ, 2,00,000 रुपए बचेंगे, मैं मात्र दे दूंगा 5.25 लाख रुपए। अब देखो उन दूसरे नंबरों की गाड़ियों की रेट कितनी थी? 4,85। इसकी रेट कितनी आई? 5.25। इसके दो रीजन है, पहला नंबर, दूसरा 10,700। 10,700 चली गई, नहीं तो नहीं है यार, मतलब नंबरों के 10-15 हजार का लफड़ा रहता है भाई साहब। जयपुर नंबर के 30,000 रुपए का लफड़ा है। अच्छा, 25,000 से 30,000 रुपए का लफड़ा है। नंबर तो नंबर ही कहलाएगा, RJ14 तो RJ14 ही। इसके अलावा ये एक और जयपुर नंबर टाटा एस, जयपुर नंबर क्या करेगा आजकल, जयपुर में 4-5 नंबर हो गए, जयपुर में भी RJ60 आ गया। 60 और वो गुणसठ, गुणसठ भी आ गया, 45 भी आ गया, 45 तो था ही, सॉरी। सही बात है, ये एक और गाड़ी जयपुर नंबर, फुल लोडेड बॉडी के साथ, बॉडी वॉडी सब कंप्लीट, ये हाफ डाले में है ये जयपुर नंबर, ये फुल बॉडी के साथ में है, चारों टायर ओके हैं, 27,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, कंप्लीट नए पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन सब कंप्लीट करा कर देंगे। गाड़ी की कीमत मात्र और मात्र 5.25 लाख रुपए, 5.25 लाख रुपए दोनों की, 5.25 लाख रुपए है बस। इसमें ये 10,700 चली हुई है तो हाफ डाला मिल रहा है, ये फुल बॉडी मिल रही है तो ये 27,000 चली हुई। अच्छा, बाकी गाड़ी दोनों बिल्कुल ओके है, कोई सी भी सलाह मारो और ले जाओ, बिल्कुल फ्रेश गाड़ियां हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक और अपन दिखाते हैं, इंट्रा V30 धौलपुर नंबर है, 2020 खूब मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है इसका, इंट्रा का ना, ये 2020 मॉडल, ऐसा छोटा ट्रक लगता है ये, बिल्कुल सर, चलने में भी, लोडेड में भी, हर काम के अंदर अच्छी, मतलब फील आता है गाड़ी को चलाने में, भी चलाने में भी, सब चीज में मजेदारी है, ऐसी बात नहीं, अच्छी चीज बनाई है, ऐसी बात नहीं गाड़ी। ये 2020 मॉडल कंप्लीट विद पेपर, फर्स्ट पार्टी गाड़ी, गाड़ी चली हुई है शायद मेरे हिसाब से ये 62,000 के समथिंग, गाड़ी अच्छी है, फुल लोडेड बॉडी है, चारों टायर बिल्कुल ओके हैं, कंप्लीट विद पेपर इंश्योरेंस फिटनेस पॉल्यूशन सब कंप्लीट, गाड़ी मात्र मात्र 6.25 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए में 20 मॉडल छोड़ देंगे। इसके अलावा ये एक उधर फेसिंग करके खड़ी है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, आगे आप
इधर आके एक बार फेस से घुमा दो, चाहे कोई इशू नहीं है। मैं दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। 2020 मॉडल है, बढ़िया गाड़ी है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ। मात्र मात्र गाड़ी की कीमत वही 4,85,000 रुपए, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण सब कंप्लीट, 48,000 चली हुई है, भरतपुर पासिंग गाड़ी है। मतलब 4,85 रेट है इन नंबरों की, है ना, 20 मॉडल की। गाड़ियों में कोई कमी नहीं है, हल्की फुल्की छोटी छोटी चिटपुट 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 चिटपुट, कोई में 19 है, कोई 20 है, कोई 21 है बस। ये 2012 मॉडल कंप्लीट विद पेपरों के साथ 1,90,000 रुपए, 1,90,000 रुपए, 12 मॉडल, जयपुर नंबर, दो टायर आगे के नए पीछे के। और आज के 4 साल पहले कितनी रेट थी भाई साहब? यही कीमत में बेच रहे थे हम, आज भी यही बिक्री है। बिकेगी यार, टाटा एस तो टाटा एस ही है यार, ये तो हमारी रानी है। मान के लो 4 साल पहले कोई बंदा लिया होगा, 4 साल पहले मतलब लेकर कमाई, मतलब गाड़ी, एक गाड़ी में आपको दिखाऊंगा, एक गाड़ी गाड़ी भी फ्री कर लिया होगा। सर मैं आपको भी एक गाड़ी दिखाऊंगा, 14 मॉडल गाड़ी सेल आउट कर दी है मैंने। अच्छा, बट वो फिर भी अपन दिखा देंगे एक वीडियो में कस्टमर को, उसके मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप अंदाजा लगाना कि भाई साहब ये क्या करा आपने। अच्छा, और देखे भी यार, बेची भी है, दोबारा बिकी भी है। ये 2020 मॉडल वही सेम, 15-20 गाड़ियां अभी 2020 मॉडल फुल लोडेड बॉडी के साथ, कंप्लीट विद पेपर, आगे से फेस दिखा देना, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, कंचा गाड़ी है, 53,000 चली हुई है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, वही कीमत 4,85,000। 20 मॉडल में तो कस्टमर का कंफ्यूजन नहीं है, 20 मीटर गन नंबर देखिए, रेट एक ही है सबकी, आवेर ऊपर नीचे करके ले जाओ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बस बस। ये भी 2020 मॉडल, बॉडी थोड़ी हल्की है, बाकी गाड़ी अच्छी है, RJ11 में 76-20 मॉडल है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, बॉडी नहीं, इस वजह से इस गाड़ी की कीमत मात्र 4,60,000। चलिए 4,60,000 20 मॉडल। इसके अलावा एक और 2012 मॉडल, ये चेचिस है ओनली मात्र, कस्टमर अगर चाहेगा बॉडी रख के दो, बॉडी रख के दे देंगे, चेचिस चाहेगा चेचिस दे देंगे। 2012 मॉडल कंप्लीट विद पेपर, इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन सब कंप्लीट, पीछे के दो टायर बिल्कुल नए हैं, आगे के टायर थोड़े से वीक हैं, चल जाएंगे, बाकी गाड़ी अच्छी है, जयपुर नंबर, ओरिजिनल गाड़ी है। ये जो बम्पर दिखा है ना आपको, ये भी ओरिजिनल, ये कंपनी के साथ का बम्पर है भाई साहब, पैनल ये कंप्लीट ओरिजिनल, कहीं से भी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ हल्के फुल्के 12 मॉडल है तो थोड़ी सी टचिंग वचिंग आपको मिलेगी। 2012 मॉडल चेचिस मात्र कंप्लीट विद पेपर के साथ 1,65,000 रुपए, कर लेंगे जी, 60-55 जो भी होगा, अब आपके नाम से आएगा तो करेंगे, 60-55 मतलब 1-55 बिल्कुल। ये 2013 मॉडल कंप्लीट विद पेपरों के साथ, 2013 मॉडल है, पेपर ऑल कंप्लीट, ये गाड़ी छोड़ देंगे मात्र 2.25 लाख रुपए में, कंप्लीट विद पेपरों के साथ। चलिए, इसके अलावा एक और टाटा एस HT 2018 मॉडल, 18 मैन्युफैक्चरिंग, 19 पासिंग, जैसे मैंने अभी आपको एक RJ17 का एग्जांपल दिया था ना, बिल्कुल पेटी पैक, सेम वैसी की वैसी गाड़ी भाई, पेटी पैक ही, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी, कोटा की बॉडी है, लोडेड बॉडी, फुल चारों टायर बिल्कुल ओके हैं, सिर्फ आगे के एक टायर थोड़ा सा वीक है, 3 टायर बिल्कुल ओके हैं, फुल लोडेड बॉडी है कोटा की, शायद ये लास्ट वीडियो में भी अपने थी, आज 28 गाड़ी नंबर से मैच कर लेना, थी शायद ये बाहर डिस्प्ले में दिख रही थी। अच्छा, ये कंप्लीट विद पेपरों के साथ गाड़ी छोड़ेंगे मात्र टाटा एस HT 2019 मॉडल, 4.25 लाख रुपए, 19 मॉडल है, 60,000 चली गई। इसके अलावा ये को टाटा इंट्रा V10, टाटा इंट्रा V10 RJ17 झालावाड़ नंबर, फुल लोडेड बॉडी के साथ, कोटा बॉडी, कंप्लीट विद पेपर, गाड़ी चली हुई है मात्र 48,000 किलोमीटर। क्यों 48,000? फ्रेश गाड़ी, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी, गाड़ी मात्र छोड़ देंगे अपन ये 5,11,000 रुपए में। चलो आ जाओ, 5,11,000 रुपए। मॉडल कौन सा है? 2020 मॉडल, छोड़ देंगे बढ़िया गाड़ी, 20 का तो स्टॉक आधे से ज्यादा है आपके पास। इसके अलावा एक और जयपुर नंबर गाड़ी, टाटा एस HT सबसे डिमांडेबल गाड़ी, 17 मॉडल, कंप्लीट विद पेपर, नई बॉडी, गाड़ी शायद मेरे हिसाब से ये 56,000 चली हुई है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, गाड़ी की कीमत मात्र 3,40,000 रुपए, 3,40,000 बिल्कुल होगी, जो भी होगी मान बैठ के मान सम्मान कर लेंगे ये। उसके अलावा एक और टाटा एस HT दूदू नंबर RJ47 कंप्लीट विद पेपर, इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन सब कंप्लीट, फुल लोडेड बॉडी है, चारों टायर बिल्कुल ओके, 18 मॉडल, गाड़ी की कीमत मात्र 3,75,000 रुपए, 3,75,000, बाकी जो भी होगा मान सम्मान कर लेंगे, कागज विद पेपर कंप्लीट देंगे। अब जो अपन एक एग्जांपल वाली बात कर रहे थे, ये लो नंबर 14 मॉडल, और एक एग्जांपल की बात चली थी ना कि आज एक 3 साल बाद में भी आपने 1,90,000 के लिए, अब इस गाड़ी की कहानी बताता हूँ। ये गाड़ी आज से 3 साल पहले मैंने बेची थी, आपने बेची थी, मैंने बेची थी 3 साल पहले, कितने की बेची थी? 14 मॉडल, 2,75,000 रुपए, 2,75,000 की बेची थी 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल का उसका लोन खत्म हो गया उस वाली ऑफिस में 2,75,000 की मैंने बेची थी और लोन क्लोज कर लिया, 36 महीने की किस्त कराई थी, लोन क्लोज करके कस्टमर वापस बोले भाई साहब मेरा काम चलिए, मैंने काम चेंज कर लिया, कस्टमर वापस खड़ी कर गया, बोले भेज देना। 3 साल बाद
एग्जिटिंग कंडीशन में कस्टमर ने सिर्फ को टायर वायर और कोई सर्विस सर्विस कराई है, बाकी वही बॉडी है वही है, कुछ भी नहीं कराया कस्टमर ने। अच्छा, सीट कवर भी चेंज नहीं कराया। टेप जो लगा हुआ था ना अगल बगल में, दो स्पीकर और एक सिस्टम, वही वो यूं क्यों पड़ी है। अच्छा, गाड़ी कस्टमर को मैंने दी थी भाई साहब 56,000 रुपए, गाड़ी कस्टमर ने लाके खड़ी करी 93,000 रुपए। अच्छा, चला भी लिया बढ़िया है ना, तो चलाया यार 356 पे दी, 93 में लाके खड़ी कर दी, 275 में दी थी, कस्टमर वापस खड़ी करके आप बोले भाई साहब बेच दीजो, बेच दी कितने की, कितने की, 275 की दी थी उस टाइम पे, आप कितने की बिकी की बताओ, चलो आप मार्केट तो वो का वही है, बताओ तो आप तो बताओ महाराज, 2,50,000 रुपए की ले ली हुई, बिल्कुल सही बात है, तो आदमी बहुत खतरनाक हो गया, फिक्स 2,50,000 रुपए की बेची है, आप बताओ 3 साल में 25,000 रुपए टूटे, और वो भी अगर मैं थावस कर लेता तो साड़ी को 60-65 तक की भी बेच देता, क्योंकि चीज है, चीज है टाटा एस एच टी, इसका मार्केट गिरेगा नहीं, मेरी बात सुनो, ये तो आप तो इसलिए 2,50,000 रुपए में ले लिए, अगर और कोई ब्रोकर के पास में जाती ना तो 260 तक जा सकती थी, क्योंकि आपने बेची थी इसलिए आपको रेट पता है, और कस्टमर भी आया जो मैंने दे दिया, चक्कर ही बढ़ गया, समझ में आई, तो टाटा एस टी की रेट डाउन नहीं होनी, दादा बढ़नी है, इसकी तो कहानी कुछ अलग है। अरे यार ये 2020 मेंटेनेंस कुछ नहीं इनका, कुछ नहीं है, चला फिरा के वापस 12-13,000 में तो इंजन हो जाता है इनका, भेज गया चला फिरा के, भाई साहब कमा लिया मैं तो, कमा के हमारी तो सिर्फ मजदूरी थी 20,000 रुपए हमने लिया हमारी ब्रोकरेज, बाकी कस्टमर के हाथ में पड़ा थी 2,30,000 रुपए, इस पे लोन हो गया दोबारा 2,00,000 रुपए का, ये गाड़ी खड़ी इसलिए कि लोन हो रहा है कस्टमर की फाइल के ऊपर, लोन एक दो दिन में अप्रूव हो जाएगा, गाड़ी छोड़ बताइए। ये 2020 मॉडल झालावाड़ सॉरी आज 28 12 पासिंग, बढ़िया गाड़ी है, 48,000 चली हुई है, 48 या 45,000 फ्रेश गाड़ी, थोड़ा जाल बॉडी है, बॉडीज पे वो पानी के कैंपर एम्पर के यूजेस के साथ, लोडिंग बॉडी नहीं, फ्रेश गाड़ी है, कंप्लीट विद पेपरों के साथ, मात्र 4,500,000 रुपए, 4,500,000 कंप्लीट विद पेपर। इसके अलावा ये एक और शानदार गाड़ी यार, जिसे कहते हैं लो जी नागौर वाले भाइयों आपके लिए भी आ गई गाड़ी, तुम्हारी कसम बहुत प्यारी गाड़ी, 47,000 चली हुई मात्र, और 2020 मॉडल है, सादा गाड़ी है, सादा बेस फिक्स नहीं है, सादा गाड़ी RG21 नागौर पासिंग, कौन सा अजमेर तिजारा बॉडी है, तिलोरा बॉडी, चारों टायर नए, कंप्लीट पेपर है, 5 महीने तक का बीमा चालू है, 2024 मई तक का बीमा चालू, नई फिटनेस कंप्लीट विद पेपरों के साथ, मात्र 4,20,000 मॉडल है, 4,85,000 रुपए, 4,00,000 रुपए का लोन कर देंगे, 85,000 रुपए ले जाओ, डाउन पेमेंट ले जाओ, गाड़ी ट्रांसफर सब करा के, समझ रहे मेरी बात। उसके अलावा ये एक और चमचमाती 85 का तो कोई रोल नहीं, 50,000 में मिल जाएगी। अरे नहीं यार इतना नहीं भाई, क्यों इतना नहीं यार, 35,000 में मान नहीं रखता यार, दादा काटना यार, चीज दे रहा हूँ भाई साहब, अगर कस्टमर अगर ये नहीं गए ना भाई साहब मजा आ गया, मुंह पे थूक देना, मुंह पे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, चीज दे रहा हूँ, चारों टायर नहीं, 1 रुपए की लागत नहीं है, सिर्फ ऑयल सर्विस करानी है, कुछ नहीं, टेप टाप सब लगा हुआ, 10-20,000 रुपए का माल, देखो विश्वास से काम चल रहा भाई, ये तुम्हारे तुम्हारी दुआ से तुम्हारे सपोर्ट से 10 गाड़ी दिखा रहे थे वीडियो में, 15 दिखाई, 25 दिखाई, 30 दिखाई, अब आज की वीडियो में कितनी गाड़ी दिखा रहे हैं, 50-60 होगी, 50 नहीं होगी 40 तो होगी, और खड़ी है बाहर, लेकिन बहुत लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए अभी एक थोड़ा सा हम आप लोगों के पास में हमारी लोकेशन एड्रेस डिस्कशन के लिए थोड़ा सा इमरजेंसी एक छोटा सा गाड़ी अभी दिखा रहे हैं, अब की बार और मजा आएगा, अब की बार जब ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा ना तो आप बोलोगे वाह मजा आ गया, और अभी जो इस वीडियो को देख कर आ रहे हैं ना वो वैसे ही बोल देंगे वाह मजा आ गया। बताइए ये 2018 मॉडल मेगा एक्सल, बहुत पुराना स्टॉक है ये, आप लोग काफी वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो में आ गए, बाकी फिर भी ये आएगा, इसका दो गाड़ियां, एक तो वो राधे खान लिखा हुआ है उस पे, वो व्हाइट कलर वाला टाटा एस, और ये की है मेगा आएगा नंबर यार, इसका भी नंबर आएगा, ये क्या पता मेरे से क्या चाह रही है, क्या पता ये बिल्कुल नारियल की तरह रखी हुई हो कि ये मैं नहीं लूंगी यहाँ से, कोई बात नहीं नारियल की तरह रखी रहे होता है यार, हाथ ही जोड़ रहे हो यार, बिल्कुल होता है भाई, खड़ी रहती तो कोई बात नहीं भाई, जिसको लेनी होगी जिसको पसंद आई ले जाएगी, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ, सही बात है, मैं टेंशन लेके क्या करूंगा, गलरी थोड़ी है, सही बेची थी ना 275 की, बेची ना 2,50,000 में वापस इसको, अब आज हम जैसे आप कर रखे हैं इसकी 3,25,000 रुपए रेट, चेची से 18 मॉडल 42,000 चल रहा, 3,25,000 रुपए रेट कर रखी, छोड़ देंगे 3,00,000 रुपए तक, लेकिन क्या पता कोई वैसे चलता फिरता आ जाए वीडियो नहीं देख के वीडियो नहीं देख के यार आ जाए, बोले भाई साहब वो मेगा एक्सल चाहिए मिल जाएगी भाई साहब, उसको अपन ने वीडियो में रेट 3,25,000 बोले, आते हैं हमारे छोरे बोलते 3,50,000 बोले लो भाई साहब 3,25,000 तक में करो, और रियलिटी बात बताऊं 2 बारी गाड़ी बेच चुका हूँ, बाकी कोई रीजन से कस्टमर का लोन वोन नहीं हुआ, नहीं तो एक बार दो गाड़ी बिकी 3,35,000 रुपए में, आपकी कसम खा रहा हूँ 3,35,000 रुपए में, और एक बार गाड़ी बेची है बॉडी बना के 3,65,000 रुपए में, खाली बॉडी बना के दिन, लेकिन दोनों कस्टमर
बाजार में सस्ती मिल गई 2-4-5-10 हजार तो ले ले, अपना कोई नहीं फर्क पड़ता। सही बात, सही जिसमें वीडियो वालों के लिए ये बताओ अपनी तो 3 लाख रेट 3 लाख रुपए में दे देंगे कंप्लीट कागज करा के, और गाड़ी ऐसी मक्खन अगर स्टार्ट करके गाड़ी चेक करना मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और थोड़ा सा रेडी हो रही है, अजमेर जाली वाली लग रही है, अजमेर पासिंग एचटी गाड़ी 2018 मॉडल, फ्रेश गाड़ी है, कंप्लीट गाड़ी, शायद मेरे हिसाब से 46,000 चली हुई है, डाला बॉडी है, जाल बना हुआ है, टायर वीक है, बाकी गाड़ी अच्छी है, ऑयल सर्विस वगैरह छोटा मोटा छिटपुट काम है, गाड़ी फ्रेश है, गाड़ी की कीमत मात्र 3 लाख और बॉडी थोड़ी है डाउन है, 3,60,000 रुपए में दे देंगे, 3,60,000 कंप्लीट विद पेपर हो गए साथ। देखो यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी हुई ना, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 90% स्टॉक है ना बैंक से खिंचा हुआ है, बिल्कुल बैंक से खिंचा हुआ माल है, लेकिन आपको उसमें पेपरों की कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, जिम्मेदारी पूरी, हम आपको विद नेम ट्रांसफर करा कर देंगे, जिसमें पुरानी कोई हडक होगी वो हम सब क्लोज करा कर देंगे, क्लियर करा कर देंगे, आपको कहीं धक्के लगाने की या कहीं आपको भटकने की कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब आप वहां जाओ, आज आरटीओ, आज वहां जाओ, आप वहां जाओ, सब ऑन टेबल इस लोकेशन पे, इस ऑफिस एड्रेस पे सब कुछ यहीं मिलेगा आपको, पेपर गाड़ी वाड़ी सब कंप्लीट, आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना है, यही आना है, गाड़ी की डील करनी है, डन करके सौदा हुआ, फाइनेंस करा रहे हो, फाइनेंस हुआ, गाड़ी उठाओ ले जाओ, कागज कंप्लीट यहीं से आपको मिलेंगे। चलिए ये इसके बारे में बताओ, ये अपन ने शायद ले ली फर्स्ट टाइम पे वीडियो में, अच्छा ले ली, ये रहेगा, ये एक 2018 मॉडल टाटा एस गोल्ड, सादा गाड़ी है, फ्रेश गाड़ी है, गाड़ी के बिल्कुल लोडेड बॉडी के अंदर, हाफ डाले के अंदर बॉडी है, मतलब लोड बॉडी जो है, हाफ डाला जो बजरी वजरी वाले आते हैं, सीमेंट वाले आते हैं, हाफ डाला, तो उस हिसाब से गाड़ी, गाड़ी अच्छी है, शायद मेरे साथ 72,000 चली हुई है, चारों टायर बिल्कुल ओके हैं, गाड़ी की कीमत हाफ डाले के अंदर मात्र 3,60,000 कंप्लीट विद पेपर, सादा गाड़ी है। तो दोस्तों बाहर गाड़ियां और खड़ी हुई है, फिलहाल स्टॉक यहाँ तक ही खत्म करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने ऑफिस चेंज किया है, तो इन्होंने जस्ट मेरे को कॉल करके बुलाया कि एक बार अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, बिल्कुल लोकेशंस के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, इनमें से कोई सी भी गाड़ी पसंद आती है तो आप सीधा आ जाइए वाजिद भाई के पास में, अपने कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर वही पुराना वाला काफी कस्टमर के पास होगा, बट फिर भी दोबारा शेयर कर देता हूँ, सबसे पहला नंबर 9782566101 97826-566-101 नंबर तो ये रहेगा। दूसरा मेरा पर्सनल नंबर है 9680802765-9680807-2765। ये मेरा पर्सनल नंबर है, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर वो नहीं उठ रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके कभी भी 10 से 6 या 6:30 लास्ट ऑफिस टाइम है उसी टाइम पे आप संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो टाइम है आप 10 से पहले फोन करते हो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें होता है, आपका तो काम होता है थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, घर होते हैं करते हैं, तो थोड़ा सा आप उस टाइम पीरियड का ध्यान रखें, और शाम को 6:30 बजे बाद थोड़ा सा ध्यान रखें, बस इतनी सी गुजारिश। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, सब भाई को थैंक यू, थैंक यू सो मच।